दिनांक 1/2 अगस्त की रात्रि जब थाना गंगो पुलिस की टीम लखनौती मार्ग पर चेकिंग कर रही थी, तभी सामने आते हुए एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति को जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसने नजदीक आते पुलिस टीम पर फायर कर दिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। इसके पश्चात आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में युवक के दाहिने पैर पर गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया। घायल बदमाश को मौके से गिरफ्तार किया गया एवं उपचार हेतु चिकित्सालय भिजवाया गया। घायल बदमाश की जो पहचान है वो इनाम पुत्र हसम निवासी ग्राम शाहपुर थाना गंगो के रूप में हुई है। यह थाना गंगो का हिस्ट्री शीटर भी है और वर्तमान में जनपद सीतापुर से 3 मुकदमों में वांछित चल रहा है और वहां से इस पर ₹25,000 का इनाम भी घोषित है। जून में हुई थाना लहरपुर जनपद सीतापुर में घटना जिसमें एटीएम उखाड़ कर चोरी की गई थी, उसमें जो मुकदमा पंजीकृत है जनपद सीतापुर में, वहां से भी ये वांछित चल रहा था। इस अभियुक्त पर जनपद सहारनपुर जनपद सीतापुर एवं हरियाणा राज्य के एक दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें कि हत्या का प्रयास, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट, चोरी इत्यादि शामिल हैं। जो घायल अभियुक्त है इसके पास से एक तमंचा, अवैध तमंचा, एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल एवं जिंदा और खोखला कारतूस बरामद किए गए हैं पुलिस द्वारा और आगे इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है।